नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम देश के बजट का सबसे बारीक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि इस बार का बजट ऊपरी तौर पर देखने में बहुत कंफ्यूज करने वाला है। आर्थिक और राजनीतिक एक्सपर्ट लेंस लगाकर इस बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव के मौसम में न तो ये सीधे तौर पर वोट वाला बजट दिखता है जिसमें बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान होता है, न ही ये सीधे तौर पर नोट वाला बजट दिखता है जिसमें व्यापक पैमाने पर किसी बड़े डिस्काउंट का ऐलान होता है। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़ी चतुराई से कैसे बजट के जरिए वोट कैश करने के लिए ट्राई किया है और कैसे ये बजट सरकार की पॉलिटिकल और पब्लिक इमेज को चमकाने वाला है, ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि ये बजट तो 2017 का है, लेकिन बजट के पीछे सोच 2019 की है। पीएम मोदी 2 साल बाद का सोच रहे हैं। ये बजट एक प्रकार से हमारा फ्यूचर है, हमारी नई पीढ़ी का फ्यूचर है, हमारे किसान का फ्यूचर है। अब अमीरों से खींचो, गरीबों को सींचो। खबरदार में बजट का सबसे बारीक विश्लेषण। मोदी सरकार के बजट नंबर 3 का विश्लेषण आसान नहीं है, क्योंकि नोटबंदी के बाद इतनी उम्मीदों का बोझ लिए बजट में क्या मिला, ये लेंस लगाकर भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि ये न तो नोट का बजट रहा, न ही वोट का बजट रहा। बजट ने उस विपक्ष को भी निराश कर दिया जो बजट को चुनावी मौसम में खुद की राजनीति के लिए हानिकारक बताकर चुनाव आयोग तक चीख पुकार पहुंचा चुका था। एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। पॉलिटिकल पार्टी शेर शायरी की जेटली जी ने अच्छा भाषण दिया, मगर बेसिस कुछ नहीं है उसके। ये तो राजनीति की परंपरा है कि हर बजट को विपक्ष बेकार बताता है और सरकार साहसिक और ऐतिहासिक बताती है। जैसा कि आज वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ये बजट एक बहुत बड़ी सहाय व्यवस्था है जो देश को आगे भी बढ़ाएगा, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करेगा और देश में एक नया विश्वास का माहौल बनाने में ये बजट बहुत ही उपकारक होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन असल में बजट में सरकार के असली मन की बात क्या है, ये सवाल सबके मन में चल रहा है, क्योंकि इस बजट में कोई बड़ी योजना का ऐलान नहीं। लेकिन जिस तरह से कम आय वाले टैक्स पेयर को बड़ी राहत दी गई, जिस तरह से छोटी कंपनियों और कारोबारियों को टैक्स में छूट दी गई, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड तोड़ पैसा लगाने की बात हुई, किसानों की बात हुई, ये साफ है कि ये बजट 2017 का तो है, लेकिन प्लान 2019 के लिए है। क्योंकि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स को आधा कर देना, नोटबंदी के दौरान लाइन में खड़े टैक्स पेयर को 12,500 रुपए की टैक्स छूट देना, 50 लाख रुपए से ज्यादा की आय वालों पर 10% टैक्स सरचार्ज लगा देना, ये साफ है कि सरकार अमीरों से खींचो और गरीबों को सींचो वाली दिखना चाहती है। फोकस मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास है जो कड़ी मेहनत से 10 लाख रुपए से कम कमाता है। मंत्र यही है कि जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दे और जो कम कमा रहा है उस पर टैक्स ज्यादा न लिया जाए। यही फॉर्मूला वित्त मंत्री ने कंपनियों और कारोबारियों के लिए लगाया है। बड़ी कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स पर किसी तरह की कमी नहीं की गई है। छोटी कंपनियों और कारोबारियों के लिए टैक्स रेट को कम कर दिया गया। 50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 30% की जगह 25% टैक्स देना पड़ेगा और ये 50 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियां देश की 96% कंपनियां हैं। मैं 10 में से 6 दे दूंगा कि ज्यादा नहीं, क्योंकि हम चाहते थे कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम हो। कम नहीं क्योंकि बहुत से जगहों पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल, रूरल, एजुकेशन, काफी सेक्टर में अच्छा है। जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उसके अनुसार बहुत हद तक इस बजट ने उन सब सेगमेंट्स को एड्रेस किया है जो कि मैं सोच रहा था एड्रेस करना चाहिए। हमने 2017 के बजट को 2019 का प्लान क्यों कहा, ये भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड तोड़ निवेश के लिए बजट में खूब पैसा खर्च करने की बातें हुई। नेशनल हाईवे बनाने के लिए पैसा 11% बढ़ाकर 64,000 करोड़ रुपए कर दिया है। रेलवे, रोड सहित ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए रिकॉर्ड तोड़
2,41,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 87,765 करोड़ रुपए खर्च करने की रकम बजट में रखी गई। मनरेगा के बजट की रकम 37,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 48,000 करोड़ रुपए कर दी गई। किसानों के लोन के लिए 10,00,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस बजट में अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो काफी फोकस है डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर, और उसमें एक फोकस ये भी है कि किस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस ज्यादा इनेबल किए जाएं। ये सरकार का एक नया वोट बैंक तैयार करने और अपनी इमेज को बदलने की कोशिश का एक और कदम कहा जा सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद बजट ऊपरी तौर पर दिखने में सादा ही रह गया। कोई राजनीतिक तड़का लगा हुआ नहीं दिखा, वो भी तब जब 5 राज्यों के चुनाव और उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार का सबसे बड़ा टेस्ट है। जो बेनामी संपत्ति है और दूसरे प्रकार से जिसका हमने जिक्र किया, चाहे वो संपत्ति के तौर पर हो, जमीन हो, रियल एस्टेट हो, मकान हो, या दूसरे तरह के इस तरह के एसेट्स हो, हीरा हो, सोना हो, शेयर में हो या विदेशों में पड़ा, तो उसके संबंध में कोई बात नहीं आई। तो एक तो यह पूरे तौर पर निराशाजनक जो बजट देखने से जो मालूम हो रहा है, बिल्कुल ही चोचों का मुराबा है। किसानों का भी कोई जिक्र नहीं है कि ये क्या करेंगे नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल रूटीन मतलब जो काम होता है उस तरह से बजट पढ़ के सुना रहे हैं। और इस बजट से कुछ लेना देना नहीं है, और हमारी गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और किसानों का हालत और खस्ता होगा। नई योजनाओं का कोई ऐलान ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना, छोटे टैक्स पेयर्स को राहत देना, नौकरियों के लिए उन छोटे उद्योग को राहत देना जिनके लिए नोटबंदी से कमर टूट जाने वाले हालात बन गए। सरकार बजट में इसलिए भी कोई तड़का लगाने से बची क्योंकि नोटबंदी के बाद अब वो कोई बड़ा रिस्क फिलहाल लेना नहीं चाहते और उसकी स्थिति फिलहाल वेट एंड वॉच की। आज तक ब्यूरो। बजट में बड़े ऐलान से बचने का एक बड़ा कारण नोटबंदी से लगा आर्थिक करंट भी है, इसीलिए अभी कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। बजट में सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि इनकम टैक्स कितना कम हुआ, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। सबसे पहले हम आपको उस शॉपिंग लिस्ट के बारे में बताते हैं जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने या तो डिस्काउंट दिए या फिर दाम बढ़ा दी। जिन चीजों के दाम बजट के बाद कम होंगे उनमें कार्ड पेमेंट के लिए POS मशीन, रेलवे टिकट की ऑनलाइन बुकिंग, पीने के पानी के लिए RO सिस्टम, ईंधन में काम आने वाली LNG, सोलर एनर्जी के लिए सोलर पैनल, बैटरी से चलने वाले पावर सिस्टम, पवन ऊर्जा से चलने वाले जनरेटर, लेदर प्रोडक्ट्स बनाने में लगने वाला सामान, डिफेंस सर्विस के लिए ग्रुप इंश्योरेंस। महंगी हुई चीजों की लिस्ट में सिगरेट, पान मसाला, सिगार, बीड़ी, तंबाकू, LED लैंप, चांदी के सिक्के, काजू, एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक टेप, मोबाइल फोन जिनको बनाने में काम आने वाला पावर सर्किट पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इनकम टैक्स के रेट में किस तरह से बदलाव हुए, किस तरह से कम आय वाले लोगों को टैक्स में बड़ा फायदा होगा, ये हम आपको बताते हैं। अब 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए तक की सालाना आय पर किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर इनकम टैक्स को 10% से घटाकर 5% कर दिया गया। अगर 80C के तहत 1.5 लाख रुपए का निवेश होता है तो फिर 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जिन लोगों की आय 3 से 3.5 लाख रुपए सालाना है और जिनका 80C के तहत कोई निवेश नहीं है, उनकी टैक्स देनदारी सिर्फ 2,500 रुपए बनेगी। 5 लाख से ऊपर दूसरे सभी इनकम ग्रुप को टैक्स में 12,500 रुपए की अधिकतम छूट दी गई है। हालांकि टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की इनकम वाले लोगों को अब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि इनकम टैक्स में 10% का सरचार्ज लग गया है। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से आपको टैक्स में कितने रुपए की बचत होगी। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए सालाना है तो पहले 5,150 रुपए टैक्स देना पड़ता था, अब आपको 2,575 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, यानी टैक्स में करीब आधी बचत हो गई।
अगर आपकी आय 10 लाख रुपए सालाना है तो पहले 1,28,750 रुपए टैक्स देना पड़ता था, अब 1,15,875 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। 12,875 रुपए की बचत हुई। अगर आपकी आय 15 लाख रुपए सालाना है तो पहले 2,01,365 रुपए टैक्स देना पड़ता था, अब 1,88,490 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, यानी 12,875 रुपए की बचत यहां भी। अगर आपकी आय 60 लाख रुपए सालाना है तो पहले 15,91,865 रुपए टैक्स देने पड़ते थे, अब 17,36,889 रुपए देने पड़ेंगे, यानी 1,45,024 रुपए ज्यादा टैक्स। यानी सीधा फॉर्मूला यह है कि ज्यादा कमाई पर ज्यादा टैक्स, लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप पर टैक्स का कम बोझ। ये एक तरह से उन टैक्स पेयर्स का मुंह मीठा कराने जैसा है जो नोटबंदी के दौरान कतारों में खड़े रहे और जो इस देश में टैक्स देने वाले लोगों में सबसे ज्यादा है। जनता कहती है कि नेता चोर हैं, लेकिन आज संसद में वित्त मंत्री बता रहे थे कि किस तरह से इस देश में कितने कम लोग टैक्स देते हैं और जो लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप सबसे ज्यादा टैक्स देता है उस पर ही टैक्स का सबसे ज्यादा बोझ भी पड़ता है। 5% टैक्स देकर एक 5 लाख तक का आप इनकम डिस्क्लोज कर सकते हो, आधे पेज की रिटर्न होगी, स्क्रूटनी भी लगभग नहीं होगी। सरकार के लिए टैक्स देने वालों को राहत देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि नोटबंदी के बाद अगर ये ना होता तो फिर कतारों में लगने से क्या मिला, ये सवाल पूरा देश पूछता। क्योंकि देश में 5 लाख तक की सालाना आय वाले 1,95,00,000 टैक्स पेयर्स हैं, जिनके टैक्स को आधा कर दिया गया। 5 लाख से ज्यादा की सालाना आय वाले सिर्फ 76 लाख टैक्स पेयर्स हैं, जिनमें 56 लाख तो नौकरी पेशा है। 5 लाख से ज्यादा की आय वाले टैक्स पेयर्स को 12,500 रुपए का टैक्स डिस्काउंट बजट में दिया गया। देश में सिर्फ 1,72,000 लोग हैं जो अपनी सालाना आय 50 लाख रुपए से ज्यादा दिखाते हैं, इनमें 10% का एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया है। भी कुछ रिफॉर्म्स लाया है, पर्सनल टैक्स में भी बेनिफिट दिया है, एग्रीकल्चर बूस्ट दिया है, आप कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग का बूस्ट दिया है, उसके कारण इकोनॉमिकल पैसा आने से और इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेशन, ज्यादा से ज्यादा माल की खपत होगी। मतलब यही कि अगर ज्यादा कमाते हो तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और ज्यादा कमाई वालों से टैक्स लेकर कम कमाई वालों पर टैक्स की कृपा, यही इस बजट का बेसिक आइडिया ऊपरी तौर पर समझ में आया है। यही फॉर्मूला छोटी कंपनियों और कारोबारियों के लिए भी लगाया गया है। 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को 5% का टैक्स डिस्काउंट मिला है। 50 करोड़ से कम के टर्नओवर की देश में 67 लाख कंपनियां हैं और ये छोटी कंपनियां देश की कुल कंपनियों का 96% है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों को जहां सम्मिलित किया है, वहीं ये प्रो पुअर बजट है, ये प्रो फार्मर्स बजट है और ये जो समाज के अपेक्षित वर्ग हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करने वाला बजट है। लोगों के हाथ में पैसे बंद कर दिए हमने, उनके खुद के पैसे निकालने नहीं दे रहे हो बैंक से, और उल्टा उन लोगों के ऊपर जो निवेश के थ्रू खर्चा करके हमारे अर्थव्यवस्था को जो बेहतर बनाना चाहिए था उसका उल्टा कर रहे हो। इससे जो होगा, जो अभी तक जो बोझ थोपे गए लोगों पे इस नोटबंदी के चलते हुए, उससे भी ज्यादा बोझ अब इस बजट के चलते हुए आएंगे। यानी एक तरफ उस लोअर मिडिल क्लास को टैक्स में छूट जो चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट डालता है, और उन लोगों पर ज्यादा टैक्स जो चुनाव में वोट डालने के लिए मुश्किल से निकलते हैं, और दूसरी तरफ उन कंपनियों और कारोबारियों के लिए राहत जो नौकरियां भी देती हैं और जो राजनीतिक तौर पर वोट बैंक भी माने जाते हैं। सरकार ने बजट के जरिए वोटों को कैश करने के लिए ट्राई जरूर किया है। इस राजनीति से अलग बजट में दो बड़ी बातें राजनीतिक फंडिंग और उन लोगों पर सख्ती को लेकर है जो देश का पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं। ये दोनों मामले राजनीति के लिए बहुत सांकेतिक है। राजनीतिक पार्टियों के लिए बेनामी चंदे को 20,000 से घटाकर 2,000 कर दिया गया। सरकार उन लोगों की संपत्ति जब्त करने का कानून लाएगी जो लोन लेकर विदेश भाग जाते हैं। जो लोग भारतीय व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं और फिर भाग जाते हैं, तो एक कड़ा व्यवस्था बननी चाहिए उन लोगों के खिलाफ। इसका जो अंतिम स्वरूप बनेगा इस कदम का, वो आपके समक्ष देख लिया जाएगा।
कुल मिलाकर बजट के जरिए सरकार ने कोई बड़े प्रयोग की जगह अपनी राजनीतिक इमेज को चमकाने का काम किया है, जिसमें ये संकेत दिया जाए कि सरकार आम आदमी, गरीब और किसान के साथ है। इसलिए बजट बहुत सादा ही रह गया, क्योंकि तड़का नहीं लग पाया, क्योंकि कोई नए प्रयोग सरकार अभी नहीं करना चाहती। आज तक ब्यूरो। और बजट पर विश्लेषण के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद जी, उपलब्धियों और आलोचना के बीच दरअसल संतुलन कितना बन पाता है, ये एक परंपरा से चल निकली है कि जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं, सरकार के मंत्री, सरकार के नुमाइंदे, और वो सब नंबर देते हैं। क्या नंबर देना चाहेंगे आप अपने इस बजट को? देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, ये तो आपका काम है नंबर देना। हम लोग मोदी जी के सरकार के मंत्री हैं, हम लोग का काम है काम करना। लेकिन इस बजट के दर्शन को मैं आज तक के दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा। इसका तीन भाव है, भारत को मजबूत बनाना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और दूसरा है सबका साथ सबका विकास, और सबके साथ सबके विकास में किसान का विकास सबसे पहले आता है। क्योंकि भारत की इकॉनमी को अगर आप देखेंगी तो रूरल इकॉनमी में जो जितनी मजबूती आएगी उतना ही विकास आएगा। अब 10 लाख करोड़ हम किसानों के लिए क्रेडिट की व्यवस्था कर रहे हैं, 1,87,000 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात हम कर रहे हैं, तो ये अपना में बहुत ही प्रभावी है। आप इसको देखिए, बाकी सवाल हेल्थ कार्ड की बात, ई मंडी की बात, वो सब तो अपनी जगह है, लेकिन कितना बड़ा पुश है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों के हितों की बात। ये सारी चीजें हैं, फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा जी। कम से कम एक सूची के हिसाब से अगर हम देखें, शुरुआत किसान से हुई, ग्रामीण इलाकों की बात हुई, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन अब जब जो विरोधी दल हैं वो जब आलोचना कर रहे हैं तो किसानी के मुद्दे पर ही कर रहे हैं। राहुल गांधी हो या फिर डिंपल यादव हो, सब कह रहे हैं कि किसान विरोधी है। तो आप ये हमें बताइए कि हमारे विरोधी क्या हमारे किसी काम की तारीफ करेंगे क्या, ये मुझे बता दीजिए आप। नहीं करेंगे ना। कांग्रेस पार्टी में तो बहुत लोग ये भी मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी सही में भारत के प्रधानमंत्री हैं। कुछ लोग समझते हैं कि विरासत से देश को चलाने की वसीयत उनके पास है, तो उस पर हम क्या बोल सकते हैं। उनका काम है विरोध करना, उनका काम है आलोचना करना। वो हारते हैं, हारते रहेंगे, छोड़ दीजिए आप। हमें देश के लिए ईमानदारी से काम करना है, और अगर आज जो देश का शासन और देश की अर्थव्यवस्था लकवाग्रस्त थी, भ्रष्टाचार से पीड़ित थी, वो भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% 7.5% बढ़ते हुए दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनी है। सबसे अधिक FDI, सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सबसे अधिक पूंजी निवेश, और क्या वर्ल्ड बैंक और क्या IMF सब ये कह रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक सबसे एक्साइटिंग अर्थव्यवस्था है, सबसे प्रभावी आकर्षक अर्थव्यवस्था है, तो उसको देखना चाहिए। तो हम उसके माध्यम से चलते हैं और चलते रहेंगे। पर कई लोगों को बजट में आपकी एक कोशिश भी दिख रही है, कोशिश ये कि एक विरोधी दलों की तरफ से कहा गया सूट बूट वाली सरकार, वो चिपक गया आकर छवि के साथ। कॉरपोरेट के दोस्त हैं, गरीबों के दुश्मन हैं, ये भी एक छवि के साथ कहीं पर हमेशा अटैच कर दिया गया चुनावों से पहले। ऐसा तो नहीं है कि इस बजट के जरिए वो कॉरपोरेट का दोस्त होने की छवि को तोड़ने की कोशिश की गई है? देखिए, आप एक बात समझिए, मोदी जी जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जनता के द्वारा चुनकर आए थे और BJP की पार्लियामेंट्री पार्टी में वो बैठे थे, आप लोग भी थी संसद भवन में, उन्होंने क्या कहा था नेता बनने के बाद, हमारी सरकार गरीबों के लिए काम करेगी, किसानों के लिए काम करेगी। लेकिन आर्थिक सुधार का भी हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप देखिए आज के बजट में जो मीडियम इंडस्ट्री है उसके लिए कितनी सुविधा की बात दी गई है, आपने देख लिया आपने। उनके भी टैक्स रेट को वही रखा गया है जो कम इनकम की छोटी कंपनियां हैं, ताकि अधिक लोग टैक्स कंप्लायन करें, क्योंकि लगभग 96% कंपनियां ऐसी हैं जिनके 50 करोड़ इनकम है। दूसरी बात, एक बात और समझिए, ये डिजिटल पूरा पुश आ रहा है कि जो कंपनी जिसकी टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ के लगभग है, उसके प्रेजम्प्टिव इनकम को 8% पर टैक्स माना जाएगा, लेकिन अगर वो डिजिटल ऑपरेशंस करते हैं तो 6% ही उनका उसको प्रेजम्प्टिव इनकम माना जाएगा टैक्स के लिए। तो ये कितनी बड़ी सुविधा दी गई है पूरी डिजिटल इकोनॉमी के लिए, जो एक बड़ा काम डिजी गांव से लेकर के 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी से आगे निकालने का प्रयास, लगभग 65,000
आपके सहकारिता बैंकों को कंप्यूटराइज करना, डिजिटाइज करना ग्रामीण क्षेत्रों में, यह आप पूरा जो डिजिटल पुश देख रहे हैं इसका अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश करना, मुझे आज तक के दर्शकों को बताते हुए प्रसन्नता होगी कि मोदी जी की सरकार में अगर 108 करोड़ मोबाइल फोन है तो 72 मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री हिंदुस्तान में आ गई है मोदी जी की सरकार में। हालांकि टैक्स में कुछ फेरबदल की वजह से मोबाइल फोन, स्मार्टफोन थोड़े से महंगे होने वाले हैं। बहुत धन्यवाद रविशंकर प्रसाद जी हमसे बातचीत करने के लिए। अब हम बजट में काले धन का रंग उड़ा देने वाली घोषणाओं का विश्लेषण करेंगे जिनके जरिए सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने की मंशा जाहिर कर दी है। काले धन के खिलाफ बजट में उठाए गए कदमों में सबसे बड़ा कदम राजनीतिक पार्टियों के चंदे से जुड़ा है जिसके जरिए सरकार ने सियासी चंदे के सीक्रेट सोर्स पर गहरी चोट लगाई। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में जबरदस्त गड़बड़ियों के खिलाफ बजट में जो ऐलान किए हैं उनके मुताबिक अब से कोई भी राजनीतिक दल 2000 से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले पाएगा। 2000 से ज्यादा चंदा लेने के लिए राजनीतिक दलों को चेक या डिजिटल तरीके का इस्तेमाल करना होगा। अब राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग को हलफनामा देकर एक बैंक अकाउंट नंबर बताना होगा। राजनीतिक दल उसी बैंक अकाउंट के जरिए चंदा ले सकेंगे। देश में राजनीतिक चंदे को साफ सुथरा और पारदर्शी बनाने के लिए बजट में यह घोषणा की गई है। सरकार ने यह कदम चुनाव आयोग के सुझाव पर उठाए हैं। सियासी चंदे पर गहरी चोट के हर पहलू का विश्लेषण हमने अपनी इस रिपोर्ट में किया। अंदाज में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काले धन वालों के चेहरे का रंग उड़ाने वाली घोषणाएं शुरू की तो सियासी दलों के चंदे वाले धंधे पर बड़ी चोट लग गई, क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए बजट में नए नियमों का ऐलान कर दिया गया है। अब से कोई भी राजनीतिक दल किसी भी सूरत में 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले पाएगा। यानी राजनीतिक दल 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा या तो चेक से या फिर डिजिटल पेमेंट के जरिए ही ले सकेंगे। अब तक राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए तक कैश चंदा लेने की छूट मिली हुई थी। राजनीतिक चंदा देने वालों के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ऑथराइज्ड बैंक से बॉन्ड खरीद कर राजनीतिक चंदा दिया जा सकता है। सभी राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स रिटर्न वक्त पर भरना होगा ताकि गड़बड़ियों की आशंका न रह जाए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण के बाद पॉलिटिकल फंडिंग के नए नियमों को लागू करने के रोड मैप की जानकारी भी दी। पहला विकल्प ये है कि आप चेक से दीजिए, दूसरा है डिजिटल मोड से दीजिए, तीसरा चुनाव आयोग का कहना था कि 20,000 तक फर्जी नाम बहुत बन जाते हैं, इसको और कम कीजिए, इसको और कठिन कीजिए, 2000 से ज्यादा पे प्रति, हमने तो 2000 से ज्यादा पार्टी ले ही नहीं सकती, 2000 मीनिंगलेस है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे काम करेगा? गवर्नमेंट एक स्कीम बनाएगी, स्कीम के तहत नोटिफाइड बैंक होगा, मान लीजिए स्टेट बैंक नोटिफाइड है, आप उस बैंक से चेक पेमेंट से या डिजिटल पेमेंट से कोई भी डोनर बॉन्ड खरीद सकता है, वो बेयरर होगा, वो बॉन्ड कहां इन कैश होगा? एक सीमित 30 दिन का समय दिया जाएगा, मैं 30 दिन उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, बहुत छोटा समय। रिडीमेबल कहां होगा? हर पार्टी को, हर रजिस्टर्ड पार्टी, रिकॉग्नाइज पार्टी को अपना एक अकाउंट चुनाव आयोग को देना पड़ेगा, वन पार्टी वन अकाउंट, वो उस अकाउंट में सिर्फ जाके कैश हो सकता है। पार्टी को मालूम है मुझे किसने दिया, और टोटल बॉन्ड्स पार्टी अपने रिटर्न में डिस्क्लोज कर देगी कि मुझे इस बार इतने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं कि पॉलिटिकल फंडिंग ब्लैक मनी का बड़ा सोर्स होती है। एक्सपर्ट्स से लेकर आम जनता तक पॉलिटिकल फंडिंग को भ्रष्टाचार से जोड़कर देखती है, क्योंकि राजनीतिक दल चंदे की ज्यादातर रकम का सोर्स नहीं बताते। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की हालिया स्टडी के मुताबिक 2004-05 से 2014-15 के बीच देश के सभी राजनीतिक दलों ने कुल 11,367 करोड़ 34 लाख रुपए का चंदा मिलने का दावा किया। राजनीतिक चंदे की इस रकम का 69% यानी 7,833 करोड़ रुपए के चंदे का स्रोत राजनीतिक पार्टियों ने नहीं बताया। अज्ञात स्रोतों से चंदा लेने के मामले में किसी भी राजनीतिक दल का दामन पाक साफ नहीं है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2004-05 से 2014-15 के बीच राष्ट्रीय पार्टियों को अज्ञात स्रोतों से मिले चंदे की रकम में 313% का इजाफा हुआ,
जो 274 करोड़ 13 लाख से बढ़कर 1130 करोड़ 92 लाख रुपए तक पहुंच गया। अज्ञात स्रोतों से क्षेत्रीय पार्टियों को मिलने वाले चंदे की रकम भी 652 फीसदी बढ़कर करीब 37 करोड़ से 281 करोड़ रुपए पहुंच गई। इस दौरान कांग्रेस को मिले कुल चंदे का 83 फीसदी अज्ञात स्रोत से आया। इस दौरान बीजेपी को मिले 65 फीसदी चंदे का स्रोत भी अज्ञात रहा। क्षेत्रीय पार्टियां भी अज्ञात चंदा लेने के मामले में कम नहीं है। बीएसपी ने तो पिछले 10 सालों के दौरान मिली 100 फीसदी रकम को ही अज्ञात स्रोत से मिली बता दिया। क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी ने 94 फीसदी चंदे का स्रोत नहीं बताया, जबकि शिरोमणि अकाली दल को 86 फीसदी चंदे का स्रोत नहीं पता। दरअसल अब तक राजनीतिक पार्टियां 20,000 रुपए तक का चंदा कैश में ले सकती थी और उसका स्रोत बताना भी जरूरी नहीं था, जिसका फायदा तमाम राजनीतिक दल जमकर उठाते थे। लेकिन अब सरकार ने पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता लाने के मकसद से नए नियम लागू किए हैं, जिसका सुझाव इलेक्शन कमीशन ने दिया था। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पहली बार सरकार ने पॉलिटिकल फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज किया है और उसके की तरफ कुछ करने का वादा किया है। ये जो बॉन्ड वाला है, इसकी ये भी मैंने देखा, इसमें अभी मुझे फ्रेंकली क्लैरिटी नहीं, और इसमें लिखा भी गया है कि एक स्कीम बनाई जाएगी, उस स्कीम की में क्या है वो उससे पता लगेगा। आइडियली तो ये था कि एक नेशनल इलेक्शन फंड बना दिया जाए, उसमें बड़े खुले आम सारे कॉरपोरेट जो है उसमें डोनेशन दें, किसी किस्म की छुपाने की बात ही नहीं, और उस इलेक्शन को ऑपरेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन या कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ये पॉलिटिकल पार्टीज में ये फंड को बांट दें उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। पहले नोटबंदी के फैसले को लागू करके और अब बजट में राजनीतिक चंदे के नए और सख्त नियम लाकर सरकार ने राजनीति में भ्रष्टाचार पर कड़ी चोट करने की कोशिश की। ये सरकार की शायद इकलौती बजट घोषणा होगी जिसका विपक्षी भी दबे मन से स्वागत कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का जो 2000 का कैपिंग किया गया, अच्छा है। देखिए, जो भी पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे। नहीं तो 20,000 तक ले सकते थे, अब 2,000 तक ले सकते हैं, इससे ईमानदारी कैसे आ जाएगी भाई? जो बेईमानी है वो तो बगैर किसी ट्रांसपेरेंट मैनर में कुछ लोग तो देते हैं, बाकी तो बल्क ऑफ दी मनी तो मिलता है दूसरे तरह के सोर्स से, अनअकाउंटेड मनी, वो कैसे बंद हो जाएगा? उसके बंद करने का रास्ता जो है वो जो इन्हें खोजा वो तो ठीक नहीं है, इसमें कोई दखल नहीं। राजनीतिक चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उसे लेकर आम जनता में संतोष है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि सिर्फ इतने भर से राजनीतिक चंदे में गड़बड़ियों का खेल नहीं बिगाड़ा जा सकता, क्योंकि अभी भी राजनीतिक दल 20,000 से कम चंदे का ब्यौरा बताने के लिए बाध्य नहीं है। संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सियासी चंदे पर चोट का ऐलान करके सरकार ने काले धन पर रोक लगाने की अपनी मंशा जाहिर की है। काले धन के खिलाफ जंग और कैशलेस इंडिया को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में एक और बड़ा ऐलान किया है। इसके मुताबिक सरकार ने 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेन देन पर पूरी तरह रोक लगा दी है, यानी 1 अप्रैल 2017 से 3 लाख रुपए से ज्यादा के सभी लेन देन कैशलेस करने होंगे। 3 लाख से ज्यादा कैश निकालने पर बैंक को वजह बतानी होगी। 3 लाख से ज्यादा कैश निकालने वालों की जानकारी बैंक इनकम टैक्स विभाग को देंगे। कैश लेनदेन पर 3 लाख रुपए की यह कैप काले धन पर गठित एसआईटी की सिफारिशों के आधार पर लगाया गया है। जस्टिस एमबी शाह की अध्यक्षता वाली इस एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था। एसआईटी ने पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें सुझाव था कि 3 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेन देन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, 3 लाख रुपए से ज्यादा के लेन देन को गैर कानूनी कर देना चाहिए, इसके लिए सजा के प्रावधान वाला कानून बनाया जाना चाहिए। काले धन वालों के चेहरे का रंग उड़ा देने वाला यह फैसला सरकार के लिए बड़े मुनाफे का सौदा भी साबित होगा, क्योंकि इससे सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा। 3 लाख से ज्यादा का लेन देन कैशलेस होगा तो काले धन पर लगाम लगेगी, ऑनलाइन पेमेंट होने से सरकार के टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा। काले धन के खिलाफ सरकार की नीतियों का अक्स बजट में भी देखने को मिला है।
सरकार विजय माल्या जैसे लोगों के खिलाफ भी एक नया कानून लाने जा रही है, जो कानून से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गया। बजट के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ऐलान किया है कि सरकार ऐसा कानून लाएगी जिसके तहत ऐसे भगोड़ों को की संपत्ति जो है उसको जब्त किया जा सके। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बजट में किसानों से जुड़ी, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने के दौरान कहा कि सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना है। सरकार की यह मंशा बजट घोषणाओं में भी जाहिर हुई। हम आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री की पोटली से किसानों के लिए क्या क्या निकला। बजट में किसानों को लोन देने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वित्त वर्ष में 9 लाख करोड़ रुपए था। किसानों को कर्ज मिलने में आसानी हो इसके लिए सरकार ने नाबार्ड के कंप्यूटरीकरण के लिए 1900 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया गया है। फसल बीमा अब 30% के बजाय 40% होगा, जिसके लिए 9000 करोड़ का प्रावधान है। पिछले बजट के 5500 करोड़ रुपए की तुलना में इस बार 13000 करोड़ रुपए किसान बीमा योजना के लिए दिए गए हैं। देश के कृषि विज्ञान केंद्रों में 100 नए कृषि लैब बनाए जाएंगे। नाबार्ड के तहत सिंचाई के लिए आवंटित राशि 30000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40000 करोड़ रुपए कर दी गई। नाबार्ड द्वारा शुरू की जाने वाली ड्रॉप मो क्रॉप योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 8000 करोड़ रुपए का डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने का भी ऐलान किया गया है। खबरदार में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।